नमस्कार फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं नहीं साहब कोई दास्तान इश्क सुनाने नहीं आया हूँ तोबा तोबा हरियाणा में हैं हम यहाँ चुनाव होने वाले हैं चुनावी रंजिशें हैं सियासी बेवफाइयाँ हैं चुनावों में हाफ हाफ कर दूसरे के रटे हुए तजुर्बे बयान करने भी नहीं आए हैं मैं आपको एक ऐसी जगह लाया हूं, जहां 1990 के वाक्यों ने देश में सियासी हिंसा को नया आयाम दिया देश की राजनीति बदली इसके अलावा 28 फरवरी 1990 से पहले चुनावी हिंसा चुनावों में गड़बड़ी की खबरें लोक अखबारों में पढ़ा करते थे नेता और सिस्टम सबूत के अभाव में साफ निकल जाते थे 28 फरवरी 1990 को पहली बार चुनावी हिंसा के इस तरह के वीडियो सामने आए सारी हिंसा वीडियो में रिकॉर्ड हुई ये पत्रकारिता के लिए भी टर्निंग पॉइंट था क्यों क्योंकि उस वीडियोस के चलते चुनाव काउंटरमांड हुए और हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा अट्ठाईस फरवरी उन्नीस सौ नब्बे मेरे लिए भी अनूठा था मैं यहाँ से चुनावी हिंसा हत्या गोलीबारी आगजनी इन सब की तस्वीरें लेके लौटा दिल्ली साथ ही लौटा अपने सर पर सत्रह टाके लेकर और शायद 1990 में उस दिन एक हौसला लेके लौटा दिल्ली से रोहतक और रोहतक से महम पहुंचने के लिए आजकल एक्सप्रेसवे और हाईवे हैं 34 साल पहले दो लेन के ओबड़ खाबड़ को सड़क कहा जाता था आज शहर की मेन सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलहदा पार्टियों के चुनावी दफ्तर हैं आते जाते कैंपेन के काफिले समर्थकों की उमड़ती भीड़ वोट की होड़ लगी है मगर लोग एक दूसरे की जान लेने पे उतारू नहीं हैं 27 फरवरी 1990 की सुबह ज़िंदगी में पहली बार यहाँ आया तो महम में चुनावी रंजिश उबाल पर थी 28 फरवरी 1990 शाम महम से ये मंजर देख के निकले हम पोलिंग स्टेशन पर कब्जे गुटों में मुठभेड़ गोलीबारी कूट कूट के लाठियों से लोगों का मारा जाना सरकारी और गैर सरकारी गाड़ियों को फूका जाना आम जनता पुलिस से भिड़ी हुई पुलिस आवारा और बेलगाम। वह माने से दो दिन पहले मैं ऐसा था और जब वहां से दिल्ली के लिए लौटा तो ऐसी हालत में लौटा अब हर कहानी का एक कॉन्टेक्स्ट होता है इस कहानी का भी है बोफोर्स घोटाले के आरोप ने उन्नीस में धुआंधार मैंडेट से सत्ता में आई कांग्रेस की साख धराशाई कर दी थी आए, आए राजीव गांधी पार्टी चुनाव हारी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह जोर तोड़ मोलभाव की सरकार बनी हरियाणा में ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तारीख थी 2 दिसंबर उन्नीस सौ मगर हरियाणा में ताऊ देवीलाल के दिल्ली चले जाने का हैरतअंगेज असर पड़ा पहला डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की शुरुआत सत्ता के मोह ने परिवार में कलह डाल दी और यहीं एक पेच फंस गया मेहम से देवीलाल विधायक थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री सीट छोड़ लोकसभा लड़ दिल्ली चले गए मुख्यमंत्री की गद्दी खाली हुई और खाली हुई मेहम की सीट चौधरी देवीलाल ने महम विधानसभा से तीन बार चुनाव जीता उन्नीस सौ और उन्नीस सौ सतासी 1990 आते आते महम सीट देवीलाल का गढ़ बन चुकी थी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर देवीलाल के घर में फूट पड़ गई ओम प्रकाश चौटाला और भाई रंजीत चौटाला आमने सामने हो गए देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को चुन लिया ओम प्रकाश चौटाला गृह कलेश जीते और जिस दिन देवीलाल उप प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली चौटाला ने शपथ तो ले ली मगर वो हरियाणा के विधानसभा के सदस्य नहीं थे संविधान के मुताबिक उन्हें सीएम बनने के बाद छह महीने के अंदर विधायक बनना जरूरी था उस वक्त चौटाला ने फैसला किया वो महम से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उससे वो पूरी तरह देवीलाल के वारिस बन जाते रंजीत चौटाला ने घर के भेदी का काम किया देवीलाल के पांचवें पुत्र कहलाए जाने वाले आनंद सिंह डांगी को आगे किया आज डांगी कांग्रेस में है बेटा बलराम डांगी मेहम सीट का उम्मीदवार है 1980 के दशक में डांगी देवीलाल के चुनावी एजेंट थे देवीलाल ने उन्हें राज्य कर्मचारी भर्ती आयोग का चेयरमैन बनाया था ओम प्रकाश चौटाला की जड़ खोदने और देवीलाल को चैलेंज करने के लिए उनके भाई ने सहारा लिया मेहम चौबीसी का मेहम चौबीसी को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता चौबीसी का यह चबूतरा है जहां अट्ठारह में अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए बगावत छेड़ने वालों को फांसी लगाई थी आज यहां खाक की बैठक के लिए पक्की कनात है सामने चौराहे पर चौधरियों का हुक्का खड़ा है 1990 में हालात ये थे कि चौबीसी जिसके साथ विधानसभा या लोकसभा सीट उसकी देवीलाल भी इसी चौबीसी के कारण आगे बढ़े थे 1990 में खेल बिगड़ा रंजीत चौटाला ने आनंद सिंह डांगी को मेहम चौबीसी की बैकिंग दिला दी तय हुआ कि देवीलाल की जगह डांगी चुनाव लड़ेंगे ढाई सौ चौबीसी के सदस्य दिल्ली में देवीलाल से मिले अपना फैसला सुनाया देवीलाल ने कह दिया कि वो मेहम आकर जांच करेंगे जब दाल नहीं गली तो चौधरी बोले चौबीसी को हैसियत दिखा दूंगा चौबीसी के करता धरता जाट थे जब अड़ गए तो अड़ गए लोकदल के खिलाफ खड़े हो गए डांगी निर्दलीय शेर का निशान चुनाव चिन्ह था फिर आया 27 फरवरी 1990। सौ महम में गजब की टेंशन थी मैं अपनी कैमरा टीम के साथ तमाम पोलिंग स्टेशन गया हर जगह लाठी लिए हुजूम थे बंदूक लिए पुलिस वाले तो इस तरह से पूरा दिन गुजरा गुटों में संघर्ष देखते हुए एक पोलिंग बूथ के बाहर तो सन्नाटा दिखा बाहर वीआईपी और पुलिस की गाड़ियाँ थीं दरवाज़ा अंदर से बंद था एक खिड़की पीछे जाके देखा तो थोड़ी खुली थी उससे अंदर झांक के देखा तो एक बड़ा नेता नाम नहीं लूँगा साहब क्योंकि मेरे पास जो फुटेज था वो नहीं है कुर्सी पर वो बैठे हुए थे आसपास 10-12 पुलिस वाले भी थे और दो अफसर थे पोलिंग अधिकारी जो उस बूथ के थे वो ज़मीन पे बैठे हुए थे लगभग उस मुद्रा में जिसमें मुर्गा बना होता है और तीन गुर्गे बैलेट पेपर पर धड़ाधड़ मोहर लगाकर मोड़ करके मतदान पेटियों में डाल रहे थे जी हाँ उस समय पे ईवीएम नहीं आई थी मतदान जो है मतदान पेटियों में होता था पर्चा होता था लंबा अब महाराजपुर मैनी जैसे इलाके जहां रीपोलिंग ऑर्डर हुई थी वहां कई बूथ मैंने ऐसे देखे इधर शहर में शोर हुआ कि मुख्यमंत्री बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं वो हार से बचने के लिए डांगी दिल्ली के लिए निकल लिए चुनाव आयोग ने अपील में उन्होंने जाकर के अपील कर दी मेहम में बूथ कैप्चरिंग और अनफेयर वोटिंग दिल्ली में इशू बन गया अब आयोग ने अपील को मान लिया महम बैंसी मैनी चांदी खरहटी ऐसे आठ बूथों पर फिर से वोट पड़ेंगे ये घोषणा हो गई और तारीख उसके लिए तय हुई 28 फरवरी 1990 यानी ठीक अगले दिन मुझे आभास था कि महम में उस दिन वो होगा जो कभी नहीं हुआ एक नहीं दो कैमरा टीम लेकर हम सुबह सुबह पहुंच गए और फिर शुरू हुआ चुनावी हिंसा का कभी ना देखा गया तांडव हम खरक जाटा गांव में थे डांगी समर्थक प्रधान हरी सिंह से मिलने पता चला एक किलोमीटर दूर बैंसी गांव में कुछ बाहर के लोग आए हैं बूथ कैप्चरिंग के लिए चौंतीस साल पहले हम खरक जाटा से पांच मिनट बाद बैंसी गांव पहुंच गए जब गांव पहुंचे तो गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी गांव के राजकीय कन्या विद्यालय के बाहर चारपाई पर एक लाश पड़ी थी अभी दो दिन पहले हम बैंसी में थे चौंतीस साल बाद गांव में शांति टहल रही थी आबादी घनी हो चुकी है पुराने स्कूल की बिल्डिंग बड़ी हो गई रंग रोगन और सामान बेहतर है उस दिन पहुंचने के बाद पता चला था कि इसी स्कूल के अंदर चौटाला के बेटे और दो लोग सिपाहियों के साथ फंसे हैं आए थे बूथ पर कब्जे के लिए मगर गाँव वालों ने घेर लिया चौंतीस साल पहले आँखों देखा वाक्य मैंने एक बार किसी और की किस ज़ुबानी सुना। कैप्टन करने आए थे। हाँ, तो थे नहीं। हाँ, फिर वो करके चले थे, जा रहे थे। हाँ, फिर से फिर तो अगर टक हाँ, फिर अच्छा। फिर मरे जो थे तो नहीं? फिर 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 चले गए से आपकी दुकान का क्या हुआ आग लगा दी थी ना यहाँ पे जिप्सी खड़ी थी ना पुलिस की जिप्सी को आग लगाई तो दुकान भी जलनी थी जी शटर नहीं था

स्कूल के पीछे से शोर उभरा हम दौड़े हमारे सामने एक सफेद कुर्ता पजामा पहने एक शख्स को लाठियों से पीट पीट कर मारा गया बाद में सामने आया कि मरने वाला पुलिस कांस्टेबल हरबंस था जिसकी वर्दी अंदर फंसे हुए नेता ने पहन ली थी और कांस्टेबल की वर्दी में फरार हो गया नहीं तो वो लोग जो फंसे हुए थे वो कैसे निकले अंदर से पीछे से निकल निकाल ले पीछे से निकाल ले गए स्कूल के पीछे से पीछे से दीवार छोटी थी ना

ये राइफल कितनी है? पब्लिक ने फेर दी इससे बड़ी घनौनी बात और हो नहीं सकती प्रजातंत्र में जब बूथ स्मूथली चलने लग रहे आठ बूथों पर रीपोल हुआ था उस दिन तो उस रीपोल में लोग अपना आराम से वोट डालने लग रहे हैं और बूथ पर जा के कोई जबरदस्ती करने लगता है तीन आदमी वहाँ पर भून के दिए गोलियों से अंदर घुसने के लिए बूथ कैप्चर करने के लिए जब चारों तरफ से मोब ने स्कूल को घेर लिया तो उस वक्त उसने अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिस कांस्टेबल थे हरबंस सिंह हरबंश सिंह उसकी वर्दी उतरवाई खुद पहन ली अपने उसको पहना करके कुर्ता पजामा लोगों में निकाल दिया लोगों ने अब मान करके उसको जो है ना मार दिया कितना जुलुम और अत्याचार इन लोगों ने कराया और चौधरी देवीलाल फ़ोन पर कहते हैं तो जब तक मेरा बेटा जिंदा ना निकले तब तक जो रचा कितना ही खराबा हो जाए तो ऐसा परिवार जिसके लिए हरियाणा प्रदेश में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर के साथ दिया संघर्ष के अलग खड़े हो करके के करीब दो घंटा हिंसा चलती रही शाम आते आते दस लोगों के मारे जाने की खबर पुलिस भी मान रही थी चौटाला की हटधर्मी और गुंडई से लोग भड़क गए थे आगजनी और दंगे शुरू हुए पुलिस की गाड़ियाँ जली चौटाला के गुर्गों ने दुकानों में आग लगा दी हम देख रहे थे पुलिस किसके साथ थी चौंतीस साल पहले हम शहर के इसी मुख्य चौराहे पर खड़े थे कई सौ पुलिस वाले थे जो लाठी डंडों से भीड़ भगा रहे थे हमारे चारों तरफ बहुत सारी पुलिस थी तीन चार सौ पुलिस वाले थे दंगा चल रहा था थोड़ा हम सेफ महसूस कर रहे थे कि पुलिस वाले पास हैं उसी समय एक दो सितारे वाली एम्बेसडर आके रुकी दो सितारे वाली यानी नंबर प्लेट में आपने देखा होगा दो सितारे लगे होते हैं यानी डीआईजी रैंक के अफसर थे गाड़ी का शीशा थोड़ा पीछे का थोड़ा सा खुला कुछ पुलिस वाले उस गाड़ी के पास गए और हमने देखा कि हमारी तरफ दिखा करके कुछ हिदायतें दी जा रही हैं उसके बाद गाड़ी चली गई दो इंस्पेक्टर और दस बारह पुलिस वाले हमारी तरफ बढ़े एक ने हमसे मुखातिब होकर के हरियाणवी में पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग और एक नहीं दो दो इक्विपमेंट थे थोड़ा सवाल बेतुका था मगर पुलिस वाले ऐसे में सवाल पूछें तो जवाब देना चाहिए मैंने बोला प्रेस से हैं सवाल आया कि यहाँ क्यों हैं हमने बताया साहब चुनाव हैं कवर कर रहे हैं अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया अचानक एक इंस्पेक्टर ने मेरा कार्ड छीन लिया और सिपाहियों से कहा कि इनकी टेप ले लो सिपाही हमारी तरफ झपटे मैं बीच में आ गया और उन्हें रोकने की कोशिश की सिपाहियों में से एक ने अपनी लाठी मेरे पहले कंधे पे मारी मैंने लाठी पकड़ ली फिर तो कहर बरप गया करीब दस बारह पुलिस वाले लाठियां बरसाते हुए हम पर टूट पड़े हमारी एक टीम पीछे थी वो ऐसा देख के भाग निकली पुलिस वालों ने कैमरामैन और रिकॉर्डिस्ट से इक्विपमेंट छीन लिया और उस पर लाठी मारने लगे परेशानी एक हुई इस समय पे उन दिनों आज जैसे होता है कि कैमरा एक होता है उसी के अंदर टेप लगती है उसी में रिकॉर्डिंग होती है वो पुराने दिन थे उस समय एक कैमरा होता था उससे एक अम्बलिकल कॉर्ड की तरह से एक रिकॉर्डर अलग होता था टेप उसमें लगती थी कैमरे में नहीं इस बात का इलम पुलिस वालों को नहीं था तो वो कैमरे को तोड़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रिकॉर्डर को नहीं तोड़ रहे थे तो रिकॉर्डर साइड में पड़ा हुआ था अब मैंने देखा कि ये मामला ख़राब हो रहा है तो मैं कैमरे की तरफ गया और उसी बीच एक लाठी मेरे सर पे इस तरफ पड़ी अब वो लाठी में क्या करते थे एक ब्रास नीचे लगाते थे जिससे चोट ज़्यादा लगे उससे खून मैंने लगा मेरे कैमरा सहयोगी थे उन दिनों अजमल जामी और साउंड रिकॉर्डिस्ट थे बद्री उनको भी खूब सारी लाठियां मिली वो भी वहां गिर गए कैमरा टूट चुका था अब मैंने देखा कि मौका है तो जिस टेप में गोलीबारी और हत्याओं की पूरी फुटेज थी वो खतरे में आ गई थी मैं तुरंत क्या किया कि मैं रिकॉर्डर के ऊपर गिर गया और उसमें एजेक्ट का बटन दबा करके मैंने टेप निकाल करके अपनी जैकेट में यहाँ छुपा ली और मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि एक सिपाही ने हरियाणवी में बोला चौंतीस साल हो गए मगर मुझे आज भी वो टोन और वो गाली याद है उसने कहा था कि साड़े ने टेप काट लिए अब मेरे देखते देखते उसने अपनी राइफल उल्टी करी मज़ल से पकड़ी और घुमाकर मेरे सर पे इस तरफ मार दी और जिसे कहते हैं ना कि दिन में तारे देखना वो शायद ज़िंदगी में पहली बार मुझे इस बात का इल्म हुआ था कि कैसा होता होगा बिल्कुल सच है साहब बहुत तेज़ खून बहने लगा और उस समय पुलिस वाले कुछ भी कर सकते थे और दीवानगी ये थी कि टेप बचानी है तो 1990 में 26 साल के थे हम चोट के बावजूद पुलिस वालों से इतने ज़्यादा फिट थे कि बहुत तेज़ दौड़ के उनसे आगे निकल लिए वो हमारे पीछे तो चूहा बिल्ली की दौड़ यहाँ से शुरू हुई करीब एक किलोमीटर पर हमारी गाड़ी खड़ी थी पिछले चौंतीस सालों में महम बिल्कुल बदल गया उन्नीस में जहाँ छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी वहाँ आज विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं एक संपन्नता दिखाई देती है मगर मुझे आज भी साफ़ साफ याद है 28 फरवरी 1990 को इस सड़क पर या तो दंगाई थे या सिर्फ पुलिस वाले और यहाँ पर पुरानी छोटी तमाम दुकानों में लाइन से आग लगा दी गई थी हम लोगों को पुलिस ने पिटाई कर दी थी दिल्ली उस तरफ था बीच में पुलिस थी और यहाँ से बच के निकलने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता था और वो था मेरे पीछे का तो हम लोग महम से दिल्ली जाने की जगह हिसार भागे। हमने गाड़ी में बैठ के गाड़ी दौड़ानी शुरू करी पुलिस की दो जीप हमारे पीछे थी फ़ायदा ये था कि हमारी गाड़ी उनकी जीप से बेहतर थी अब इस दौड़ में हमारे पीछे काफ़ी फायर की आवाज़ आई यानी गोली चलाने की आवाज़ आई लेकिन हमें पता था कि रुकना ख़तरे से खाली नहीं है ये दौड़ चली करीब सत्तावन किलोमीटर हिसार कैंट तक क्योंकि मैं जानता था कि हिसार कैंट हिसार से पहले पड़ता है रास्ते में अगर आप रोहतक से जा रहे हैं तो हम उस तरफ़ मुड़ गए और हिसार कैंट के पास जाकर के हम रुक गए जहां उन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं थी कि वो आ करके वो कर सके जो वो करना चाहते हैं बहरहाल मेरे दो घावों से दो जगह घाव थे एक इधर एक इधर उससे खून बह रहा था काफ़ी मेरे रिकॉर्डिस बदरी के भी सर पर चोट थी आ, अजमल जामी के शरीर पर तमाम चोटें थी अब हिसार में एक अस्पताल और दो डॉक्टरों के पास हम गए मरहम पट्टी के लिए लेकिन उन सब ने हमें मरहम पट्टी करने से मना कर दिया साफ बोला कि साहब पुलिस से पिट के आओ हो और पुलिस के ख़िलाफ़ इस समय हम नहीं जा सकते आपकी मदद नहीं कर सकते अब दूसरी परेशानी आई दिल्ली वापस जाने के लिए रास्ता महम और रोहतक होकर गुजरता और वहाँ तो कहर बरपा हुआ था वहाँ तांडव चल रहा था तो वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था कि वहाँ पुलिस इंतज़ार कर रही है अब प्लान ये बनाया गया कि भिवानी होकर के सोहना की साइड से दिल्ली घुसा जाएगा जो दिल्ली का नक्शा अगर आप ले लें तो आपको दिख जाएगा कि वो एक ऑल्टरनेट रूट है लंबा है मगर रूट है अब हम रास्ते में थे खून बह रहा था मुझे याद है कि मेरी जैकेट मेरी कमीज पैंट यहाँ तक कि मेरे जूतों में खून की पिचपिचाहट महसूस होनी शुरू हो गई थी भिवानी के पहले एक गांव के बाहर एक मारुति वैन दिखी हमें जिस पे प्लस का साइन बना था उन्होंने डॉक्टर लगाते थे, थे या हॉस्पिटल वाले उस पर कुछ जिला जच्चा बच्चा केंद्र या कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई थी हमने गाड़ी रोकी उसके ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंदर डिलीवरी करवा रही हैं महिला हैं और उनसे बात कर लीजिए हमने डॉक्टर को बताया परेशानी डॉक्टर को हम पर तरस आ गया मगर उनके पास एक परेशानी थी उनके पास एनेस्थीसिया ख़त्म हो चुका था क्योंकि वो एक जिस डिलीवरी के लिए आई थी उसमें ख़त्म हो गया था अब हालात नाजुक थे इसीलिए बिना सुन किए उन्होंने मेरे सिर पर सत्रह टाके लगा दिए गाँव के एक ताऊ ने बड़ी पते की बात करी कांसे के बड़े से गिलास में वो हल दूध में हल्दी और घी डाल करके वो मुझे दे दिए वो दूध ने उन सब हम सब ने पिया और शायद उसने हमारी जान बचा ली अब हम घूमते हुए सूरज कुंड से जो एक दिल्ली का रास्ता दिल्ली बॉर्डर पे आता है वहाँ तो पहुँच गए अब वहाँ रुके तो हमको इतना समझ थी कि पुलिस हमको बॉर्डर पर ढूंढ सकती है तो एक ढाबे पर बैठा गया अब ढाबे पे बैठने के बाद ये हुआ कि किस तरह से चल रहे हैं तो जो गाड़ियां उधर से आ रही थी उनसे पता लगा कि काफी चेकिंग चल रही है और खास करके सफेद अम्बेसडर्स को चेक किया जा रहा है हमारे पास भी एक सफेद अम्बेसडर थी तो हमने सबसे पहला काम किया अपनी टेप जो है गाड़ी के पीछे सीट के अंदर नीचे छुपा दी सिर पर पट्टी बंधी हुई थी तो एक टोपी से उसको छुपाया एक बारात का काफिला गाड़ियों का जो आता है वो आकर के ढाबे पे रुका और मुझे याद भी याद है कि अजय वेड सुनीता के नाम से हर शादी ब्याह में होता है कि बसों पे चस्पा कर दिए जाते हैं स्टिकर वो कुछ स्टिकर लगे हुए थे जिनको निकाल करके हमने अपनी गाड़ी के आगे शीशे और पीछे दोनों पे लगा दिया और उसको लगाने से लगाने के बाद हमने क्या किया कि उस जो बारात का काफ़िला था गाड़ियों का उसमें हम शामिल हो गए उसमें शामिल होकर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर हमने पार कर लिया दफ्तर में फ़ोन करके बताया उन दिनों मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे आधी रात के बाद करीब एक दो बजे रात को हम पहुंचे ऑफिस तब तक बात फैल चुकी थी काफ़ी मीडिया बंधु वहां पहुंच गए थे और उसके बाद जो हुआ वह हेडलाइंस था अगले दिन मेहम की हिंसा और चुनाव की गड़बड़ी देश के हर अखबार में हेडलाइन थी पूरे देश में चौटाला की करतूत की चर्चा थी पहली बार कोई व्यापक चुनावी हिंसा का वीडियो दिख रहा था पत्रकारों ने उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का घेराव तक कर दिया वीपी सिंह सरकार बैकफुट पे आ गई एक ऑल पार्टी कमेटी ने मेहम का दौरा किया अपनी रिपोर्ट दी और मेहम का चुनाव काउंटरमांड हो गया मगर मामला यही नहीं थमा चौटाला गद्दी से हटने को तैयार नहीं थे उनके पास विधानसभा सदस्य बनने की मियाद छोटी हो चुकी थी चुनाव आयोग ने मई के महीने में 21 तारीख पर फिर चुनाव की घोषणा की चौटाला ने मेहम और दड़बा कलां से पर्चे भरे लेकिन 16 मई को मदीना निवासी आमिर सिंह जो लोकदल के बागी उम्मीदवार थे वो गायब हो गए कुछ समय बाद उनकी लाश मुढ़ाल गांव में मिली चुनाव फिर से कैंसिल हो गया इधर आमिर सिंह की हत्या का आरोप पुलिस ने लगा दिया चौटाला के दुश्मन आनंद सिंह डांगी पर उनको अरेस्ट करने पुलिस पहुंची उनके गांव मदीना में गांव वालों को भनक लग गई थी आज चौंतीस साल बाद हम उसी मदीना गांव में थे पुलिस को अगुवाई कुछ दरोगा कर रहे थे गांव वालों को भगाने के लिए एक दरोगा ने गोलियां चलानी शुरू की गांव के हर बुजुर्ग को वो दिन याद है

प्रताप प्रताप जो था उसका भाई उसने नाम लगा दिया था अच्छा। कि भाई मेरे भाई को मरवाने में डांगी साहब का रोल है जैसे भी। अच्छा। तो फिर डांगी साहब कहाँ पे थे यहाँ पे, पे आइए यहाँ थे जी वो पुलिस आई थी यहाँ इस घर में ऊपर एक जाखी में एक लड़की बैठी थी उसके गोली लगी थी अच्छा हाँ इसमें खिड़की में बैठी थी लड़की की डेथ हुई थी हाँ और वो एक जो उनका जो पशुओं का पाड़ी था किशन सिंह वो मारा था इदरी। हाँ इधर ही इसका ये पे? उसको ये गेट इस गेट के अंदर गोली लगी थी यही वाले इस, इस गेट के अंदर थी ऊपर बैठे थी डांगी हाँ। साहब इसकी मकान से पीछे से कूद के निकले थे बाग के मैं मैं भी चली थी गोली उसको गो, उन गोलियां उस उसमें हाजिर थे हम कहाँ पे वहाँ जाओ वो पेट्रोल पंप पुराना बस स्टैंड के ऊपर वहाँ वहाँ हाजिर वहाँ उस थाना से इतनी फोर्स आ गई थी उस एक बूथ पर कमेटी में जो है इलेक्शन दोबारा था वहाँ लोग इकट्ठे थे और वहाँ आपस में झगड़ा हुआ तो पुलिस इतनी आ गई थी जो पुराना थाना था उसके अंदर पुलिस रोकी हुई थी और वहाँ कहां की बात कर रहे हैं ये मैम की जी मैम की जो पुरानी चौकी जो थी। हाँ हाँ पुरानी चौकी जो पुराना थाना था उसके अंदर फोर्स थी और वो वहाँ आ गई थी और जो है लोगों ने जब पत्थर मारने शुरू करे उन्हें सीधी गोली मारी थी वो एक बूटा वहीं लगी थी पेट्रोल पंप के ऊपर मैं हाजिर था वहीं एक 12 साल की लड़की घर के पहले फ्लोर की खिड़की से बाहर देख रही थी वो गोलीबारी की पहली शिकार बनी उसके बाद एक वृद्ध महिला शोर सुनकर बाहर निकली पुलिस ने उसे ढेर कर दिया हमें डांगी की पत्नी गांव में कैंपेन करती मिली चौंतीस साल पहले सोना देवी ने रिवॉल्वर हाथ में लिए पुलिस के दरोगा का कॉलर पकड़कर रोक लिया था और थोड़े समय की उस हरकत ने आनंद सिंह डांगी की जान बचा ली

खटम सिड लाग रहा है साढ़े तीन 350 पुलिस वाले थे जिसमें जिस जिस जिसमें जिले सिंह एसपी तोम्बर बयानी एसपी जिले सिंह रोहतक तीन चार डीएसपी थे सब आए थे हां एक लोहार था और और भी थे नाम ही भूल भी भी गई मैं तक अरे दाखी मठी जी बालक के सारे सारी थोड़ी बालक ऊपर थे अच्छा देने बाद हां ये बाल बूल नहीं रखा दे छोटे छोटे रखा कर दी ना वहाँ कुछ वो ऊपर डाल क्या डाल बैठी उसको तो जख्म बैठी बैठी कहे दो तीन मारी तो मरना कितनी गोली लगी था? तीन तो चार तीन, 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 तीन चार हाँ तीन चार और दिल पर लग गई उसका हाँ कितनी उम्र थी उसकी उस टाइम बारह साल की थी उस दिन मदीना अच्छा। में तीन लोग मारे गए राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे वो अगले दिन मदीना आए सोना देवी ने उन्हें पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों के खोल दिए एक दो दिन बाद ये खाली जगह थी हाँ ये जगह खाली थी जी सत्रह मई को गोली चली थी यहाँ पर जीप खड़ी हुई यहाँ पे खड़ी हुई जीप खाली खुली जीप उसने जैसे बोला था और वो सामने जो दिख रहा है ना आपको डोर वहाँ पे राहुल गांधी खड़े हुए थे राहुल गांधी थे आ, 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 रावु गान्दी। रावु गान्दी वो उनके छोटे थे। थे थे। तो एक आध बारिं तो उनको याद है कि मैं वहां मदीना गया था महम उपचुनाव में धांधली गुंडागर्दी हिंसा और कई लोगों की हत्या के बाद केंद्र की वीपी सिंह सरकार भी दबाव में रही देवीलाल के विरोध के बावजूद प्रधानमंत्री वीपी सिंह ओम प्रकाश चौटाला के इस्तीफे पर अड़ गए आखिरकार 21 मई 1990 को चौटाला की जगह बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया अब उन्नीस में, में मेहम सीट के लिए तीसरी बार चुनाव हुआ तब जाकर के फैसला हुआ कि कौन होगा विधायक आनंद सिंह डागी तब तक कांग्रेस के शामिल हो चुके थे वहां से चुनाव लड़े जीत गए ओम प्रकाश चौटाला चुनाव नहीं लड़े उसके बाद इनफैक्ट ओम प्रकाश चौटाला मेहम से कभी भी चुनाव नहीं लड़े अब अगर अगर मोटा मोटा देखें तो ये हार ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल परिवार की थी मेहम किसी बहुत प्रेस्टिजियस थी उन दिनों और ये भी कह सकते हैं कि आखिरकार मेहम चौबीसी जो थी वो जीत गई थी चौटाला गद्दी खो बैठे थे चुनावी हिंसा और उसकी फुटेज के कारण वो रिजाइन तो कर दिए मगर क्या दो बार के मतदान के दौरान या पहले घटी हिंसा में कोई दोषी साबित हुआ कोई जेल गया अब यह भी सुनिए 28 फरवरी 1990 की हिंसा की जांच को जस्टिस एस एस गिरेवाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने की 16 मई उन्नीस सौ की हिंसा की जांच करी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी पी मौदान ने हिसाब इस बात से मिलेगा कि हम हिंसा के प्रत्यक्षदर्शी थे फुटेज हमारी थी लेकिन किसी भी जांच ने ना हमें समन किया ना हमारी कोई गवाही दर्ज हुई मेहम ने इन घटनाओं को याद में संजोए रखा है मगर अब वहां ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता लोकदल के नेता उस समय चौबीसी के खिलाफ थे कुछ समय पहले उनका यहां आदर सत्कार हुआ भले ही डांगी आज उन घटनाओं के पीड़ित होकर भी ये कहते हैं कि जो बीत गई उसे याद करना व्यर्थ है लेकिन अब हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए वो बात बहुत पीछे चले गई जमाना बहुत आगे चला गया लेकिन जो समय था वो बहुत घातक समय था प्रजातंत्र का हनन करने वाला समय था मगर हमारे लिए ये बताना ज़रूरी है जिससे आप याद रखें कि लोकतंत्र में नेता आपके सेवक रहने चाहिए वरना उनके आका बन जाने का खतरा है